नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सर लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर आज हम करेंगे मैंसूरेशन का अपना अगला पार्ट चलो फिर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है बस खत्म करना है अब देखो ये सवाल कितना आसान है कितनी बार बताया था अगर रेडियस आपकी साथ हो तो पेरीमीटर यानी कि परिधि का मान यानी कि टू पाई आर का मान चवालीस और पाई पाईआर स्क्वायर का मान क्या होता है एक होता था तो भैया देखो हमसे परिधि पूछी गई थी आंसर लगा दो अगला सवाल कह रहा था गनाव में कितनी सरल रेखाएं होती है अब ये भी अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो भैया बहुत ही बड़ी बात है आप जिस कमरे में बैठते हो ना वहां गिन लो कितनी सरल रेखाएं आपको समझ में आ रही बात खत्म ठीक है अगला सवाल ये सवाल देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा है देखने के लिए है बस कि देखो ये एक आयत बना हुआ ठीक है अलग अलग कलर से सारे आयत कर दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए एक ये आयत बना हुआ ठीक है और यहां पर कलर भी खत्म ना हो जाए कहीं एक ये देखो हमारे पास क्या बना हुआ है क्यूब बना हुआ है ये भी देखो तो नहीं है सब रेक्टेंगल ही है ठीक है और भी कर दें कलर आप हाइलाइटर ले लेते हैं एक ये बना ठीक है और भी बने होंगे भाई उनको भी ले लेते हैं ये बना ये वाला ठीक है तो इतने हमारे पास निकल कर आए हैं आयत अब इन्हीं का हमें निकालना था सबसे पहले देखो ये आयत हो गया यानी कि एक आयत पंद्रह गुड़े में सात दे दिया हमको इधर सात घटा दिया तो इधर तेरे बचा यानी कि तेरे बचा है तो यहां पर अगर चौड़ाई देखें आठ बन रही इसकी ये आठ हो रहा था तो तेरे गुड़े में आठ हो गया अगर ये जो साइड वाला है साइड वाला इसका अगर देखें तो ये आठ गुड़े में पांच हो गया जो ये ग्रीन डार्क किया था ये तेरे गुड़े में कितना हो जाएगा ये डॉटेड वाली लाइन से हमें लेना पड़ेगा ये देखो डॉटेड लाइन जो दिख रही यहाँ पर भी डॉटेड लाइन के लिए पांच था तो ये इतना हो गया इधर देखेंगे ये ये भी डॉटेड के साथ ये इतना हो गया यानी कि इधर करेंगे तेरे गुड़े में पांच सात गुड़े में पांच बहुत दिमाग से करने वाला सवाल था ठीक है सबसे बढ़िया बात थी यूनिट डिजिट दी तो थी लेकिन दो जगह मैच हो रही थी देखें पंद्रह सत्तर एक सौ पांच तेरह अठे एक सौ चार आठ पन्ने चालीस तेरह पंजे पैंसठ हो गए सात पंजे पैंतीस हो गए पाँच पाँच दस हो गए दस चार चौदह पाँच उन्नीस आ रहा है लेकिन कुछ अच्छा हाँ ठीक है ये वाला एक मिस हो रहा था भाई ठीक है तो ये पाँच हो गया इसकी जो हाइट लेंगे वो यहाँ से कितनी लेंगे भाई अगर हम यहाँ से यहाँ तक की देखें ये आठ थी ऊपर की और पंद्रह से आठ चला जाएगा तो सात बचेगा भाई अगर हम देखें तो इतनी आठ थी तो ये बचा कितना है सात बचा तो इसके साथ साथ ये पैंतीस और आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जोड़ लो भाई मैं कि मिस हो रहा है यूनिट डिजिट तो अलग अलग है लगभग मिलनी चाहिए थी पाँच चार नौ हो गया नौ पाँच चौदह चौदह पाँच उन्नीस उन्नीस सौ पाँच चौबीस हो गया आंसर आ जाएगा हमारे पास थ्री एट फोर ठीक है बस यही निकालने के था यूनिट डिजिट पे काम करते और ऐसा नहीं अंधाधुंध लिखे चले जा रहे ऐसा नहीं करना आपको पहले देखते चलना है ऑप्शन भी अगला सवाल एक बेलन और एक शंकु के समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई बेलन के आयतन का शंकु का आयतन से अनुपात क्या होगा देखो ये याद रख लेना ठीक है में बन होगा ये याद कर लेना काम में आएगा कभी आज नहीं आएगा कल आएगा आएगा जरूर कभी भी बोल दे कि आधार और त्रिज्याएं सब शंकु के बराबर हो तो यही रेशियो होता है बाकी आप बना के भी देख सकते हैं अगला सवाल एक त्रज को इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा गया त्रज खंड का कोण इतना है तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रजखंड का क्षेत्रफल बहुत आसान हो गया देखो अगर रेडियस हमें सात पता होती तो एरिया एक सौ चौवन यहाँ पर हमें इक्कीस पता होगी तीन गुना हो गया यानी कि एरिया कितना हो जाएगा एक सौ चौवन गुणे में तीन गुना यानी कि नौ गुना क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो जाता है एरिया में तो लेकिन ये आया कितने पर ये तीन सौ साठ डिग्री पर आया ठीक हमें चाहिए था चालीस डिग्री पर कैंसिल आउट चार नेम छत्तीस हो गया नौ सौ नौ कैंसिल एक सौ चौवन आंसर आपके पास फार्मूला भी होता पाई आर स्कवा में तीन सौ साठ करते हम यही चीज है लेकिन वो इस तरीके से लिख लेते अब हमें अगर करना होता तो सात ने एक सौ चौवन गोड़े में नौ करता तीन सौ साठ हो रहा चार नेम छत्तीस देख लेता एक सौ चौवन आंसर यह आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है अगला सवाल एक संभाव त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की तीन गुनी कर दी जाए तो नए संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो सिंपल है भाई तीन ही गुना हो जाएगा सॉरी तीन तरह का नौ गुना क्योंकि देखो अगर हम लिखें रूट थ्री बाई फोर तो दोनों में कॉमन होगा हमने ए भुजा मान ली इधर हो गया हमारे पास तीन गुना तो थ्री ए हो गया तो अगर स्क्वायर करेंगे थ्री ए स्क्वायर इधर हो गया नाइन ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट तो नौ गुना आ जाएगा ठीक है अगला सवाल संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ये देखो राइट एंगल ट्रेंगल आपका बन रहा है ये बारह हो गया तो ये कितना हो गया सात हो गया यानी कि एक बटे में दो हो गया सात गुड़े में छह हो गया प्लस में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बारह था ये सात यानी कि उन्नीस छक्का एक सौ चौदह और आ जाएगा दो तिया छह हो गया साततियाँ इक्कीस हो गया प्लस का वन वन फोर हो गया जैसे ही पाँच मिला आंसर अगला सवाल इतने मीटर लंबाई और इतने मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को बरगा का टाइलों से पक्का किया जाना है यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्ग वर्ग टाइल की लंबाई क्या है देखो ये सवाल मुझे चांस पूरे लग रहा है कि पूछा जा सकता है ठीक है तो ये चीज़ आप अच्छे से कर लेना अब जैसे ये है हमारे पास अब ऐसी हमें साइड लानी है जैसे कमरे में बिछाना हमें और ऐसी साइड हमें लेनी पड़ेगी जो बराबर साइज की हो यानी कि दोनों का अगर रखें तो स्क्वायर में बने हमारा क्या स्क्वायर में आ जाए टाइल तो उसमें देखेंगे SCF कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा क्योंकि यही साइज ऐसा होगा जो बराबर बराबर बिछेगा स्क्वायर में होगा यही हमसे पूछा गया अगर टाइल की संख्या पूछी जाती तो सोलह गुड़े में बारह इतना टोटल एरिया और चार बाई चार की अगर टाइल लगाते तो एन टाइल लगानी पड़ती यहां से एन का मान निकालते तो टाइल की संख्या आ जाती अगला सवाल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है बीसी पर डी और ई ऐसे दो बिंदु हैं कि बी डी बराबर डी बराबर ई सी तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना ये आसान सवाल होते हैं ये हो गया हमारे पास बी सी वो वाली बी सी नहीं है जो तुम सोच रहे हो ठीक है यहां पर अगर देखेंगे तो दो पॉइंट है डी और ई है वो ये कह रहा था कि ये सभी बुझाएं डी ई बराबर ई सी है यानी कि ये अगर एक है तो ये एक है ये एक है तो हमेशा ध्यान रखना अगर एक ही ट्रेंगल में बात करें तो जिस रेशियो में उनका बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में उनका एरिया डिवाइड हो जाएगा यानी कि यही तीन बराबर हमें उनतालीस दिया गया था ए डी ई ए डी सी का निकालना था तो ए डी सी में कौन से आ रहे थे ये दो आ रहे थे तो दो का मान ये उनतालीस होगा ना तो ये तेरह हो गया तेरह दूनी छब्बीस आंसर अगला सवाल एक वर्ग का विकर्ण इतना है एक आयत की बुझाओं का अनुपात इतना है, वर्क के क्षेत्रफल के समान है देखो, का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में दो अब ऐसा नहीं उससे साइड निकाल ले फिर एरिया निकाल ले फिर तो हो गया फिर तो कर लिया हमने तो विकर्ण कितना हमारे पास रूट टू हंड्रेड हो गया रूट में और ये इसका होल स्क्वायर बटे में दो इसका एरिया बराबर किसके है इसके एरिया के बराबर यानी कि फाइव एक्स और टू एक्स हो गया यानी कि पानदुनी दस एक्स स्क्वायर हो गया तो रूट के बाहर करेंगे तो दो सौ बटे में दो बराबर में दस एक्स स्क्वायर हो गया ये इससे कैंसिल आउट यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया दस आ गया ठीक है हमें चाहिए क्या हमें आयत की लंबाई चाहिए यानी कि पाँच गोड़े में क्या हो गया रूट दस हो जाएगा क्योंकि तो एक्स बराबर क्या आया रूट दस आया अब ऐसा तो कुछ लिखा नहीं तो ये पांच अंदर लेके चले जाएंगे क्या लिख सकते हैं पांच घोड़े में पांच इंटू में दस पचम पच्चीस अगला सवाल अब इसमें देखो गोले गुब्बारे की त्रिज्या इतनी इतनी थी ठीक है इतनी बढ़ गई कह रहा था मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल फूले हुए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखो सिंपल सी बात यह है कि जो भी अगर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल फोर पाई आर एस होता है दोनों में ये आ जाएगा इससे मतलब नहीं केवल इतना करो पचाम पच्चीस हो गया दस दाम सौ हो गया कि एक रेशियो में चार क्योंकि पिघलाकर तो इतनी ऊंचाई इतनी और इतनी एमएम वाले आधार वाले शंकु के बनाए जाते हैं कितने शंकु बनेंगे देखो ऑप्शन देख लिया कुछ नहीं करना पाई से पाई तो कल ही कट ही गया होगा तो तीन गुड़े में तीन और बराबर में पांच ये पाईआर स्क्वायर एच लिखा डायरेक्ट और इधर अगर बेलन का शंकु का लिखेंगे तो एक बटे में तीन पाई तो कट ही जाएगा इसकी ऊंचाई एक थी और एम एम थी त्रिज्या एक तो एक गुड़े में एक इंटू में एक ये एन बनेंगे बस खत्म पान दिया पंद्रह दिया, दिया पैंतालीस तीन पंजे पंद्रह तीन, तीन चौकू बारह और एक तेरह एक सौ पैंतीस कहीं दिख रहा है आंसर लगा दो कुछ भी चेंज नहीं करना जब तक ऑप्शन वो सेम ना दे दे सेम इन द सेंस वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव जीरो वन थ्री फाइव डबल जीरो तब आपको करना पड़ेगा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है पता तो होना ही चाहिए लेकिन अब एम एम है उसको चेंज करने के लिए दस का भाग कर दो ठीक है तो ये चीज आपको पता होगी अगला सवाल एक धात्विक गनाव की बीमाएं इतनी इतनी है तो घन में बदल दिया जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर यानी कि तीन का मल्टीपल आठ तीन ग्यारह ग्यारह और पांच सोलह होता है तो ये तो हटा दो सात पाँच बारह एक तेरह हटा दो आठ सात पंद्रह हो सकता है नौ छः पंद्रह हो सकता है अब छः का भाग करने के बाद हमें स्क्वायर मिलना चाहिए तो इसमें अगर भाग करेंगे छः कम छः बच्चा कितना दो छः चौक चौबीस छः पंजे तीस ये कहीं से स्क्वायर लग रहा हटा दो इसमें भी करके दिखा देते छ कम छः हो गया बचा कितना है तीन छचरंग छत्तीस ये देखो स्क्वायर मिल गया आंसर लगा दो बाकी आप आराम से पूरा करते रहना ठीक है बस इसीलिए बताना था कि कहीं ना कहीं ये सवालों में लग जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता है अगला सवाल सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे इतने सेंटीमीटर भुजा वाले घन से निकाला जाता है भाई जिस कमरे में बैठे उसी में सोच लो उससे अगर घन निकालोगे तो उसकी भुजा के बराबर उसका डाया हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा यानी कि अगर रेडियस लिखेंगे तो भुजा का आधा हो गया यानी कि इक्कीस वटे में दो हो जाएगा तो हमें गोले का आयतन चाहिए तो चार बटे में तीन पाई का मतलब बाईस बटे में सात और आर क्यू का मतलब इक्कीस बटे में दो इक्कीस बटे में दो में में बटे दो हो गया अब आप ग्यारह की आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें सिंपल सी बात है यूनिट डिजिट पर अगर मिल गया कोई तो ठीक है नहीं तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी इधर चार सौ इकतालीस अच्छा आसान थी कैलकुलेशन

तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया चार बटे में तीन हो गया यानी कि पचम पच्चीस एक सौ पच्चीस तीन तरकानौतियाँ सत्ताईस हो गया एक सौ पच्चीस से अगर पच्चीस हटा देते सौ लेकिन दो हमें एक्स्ट्रा का हटाना है तो कितना आ गया अट्ठानबे आ गया तो इधर अट्ठानबे लिखेंगे बराबर में हो गया हमारे पास उनचास घोड़े में एक्स तो ये दो बार चला जाएगा चार दुनिया आठ बटे में तीन ये हाइट आ गई अगला सवाल एक सम चतुर्भुज का परमाप इतना है कि नहीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा देखो हमें एक चीज पता है कि जो पैरेलल साइड होती है उनका सम इनटू में हाइट ये फार्मूला पता है अब सम चतुर्भुज यानी कि रोमबस में सभी साइड हमारी बराबर होती है तो चार तिया बारह हो गया यानी कि तीस हो गया अब यहाँ पर लिखेंगे एक बटे में दो तीस प्लस का तीस और हाइट हमें दी गई थी तो ये पंद्रह हो गया इधर करेंगे साठ बना देगा तो दो तिया छ करना पड़ेगा यानी कि साढ़े चार सौ आंसर अगला सवाल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धव्रत एक आयत के अंदर रखा है अर्धव्रत का व्यास आयत की लंबाई के साथ संपाती है तो आयत का क्षेत्रफल आसान हो गया ये बना हुआ आयत ठीक है अब हम उस टाइप तो क्लियर तो नहीं बना पाएंगे लेकिन उसका जो व्यास था वो इस तरीके से था ये ऊपर टच हो रहा है ठीक है कह रहा था इसका क्षेत्र इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धव्रत यानी कि अगर क्षेत्रफल देखें पाई पाईआर स्क्वायर पूरा होता है और अगर आधा कर देंगे तो बटे में तो इसका मान दिया गया था बारह सौ पचास पाई तो पाई से पाई कैंसिल आउट आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जीरो दो पंजे दस हो गया बारह दूनी चौबीस एक पच्चीस हो गया यानी कि आर बराबर में हमारे पास पचास आ गया तो अगर हम टू आर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा तो हमें ये क्या पता लग गया ये सौ पता लग गया अगर हम यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगी सेंटर से यानी कि ये पचास हो गया दोनों को गुणा करेंगे पाँच हज़ार आंसर अगला सब औसतन है।, है तो तालाब में जल स्तर में वृद्धि होगी देखो कुछ नहीं वॉल्यूम हमें लिखना था तो ये तो वॉल्यूम हो गया और एक आदमी जीरो फोर कर रहा था विस्थापन पाँच सौ आदमी करेंगे उतनी ही हाइट में वृद्धि होगी बस तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये एक बार चला भी जाएगा पांच एकम पांच यानी कि दस आ गया और ये करेंगे ये जीरो से जीरो चला गया ए नहीं के एच लिखेंगे, तो जीरो सेंटीमीटर में, तो में करेंगे तो ये सौ हो जाएगा मतलब पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आंसर अगला सवाल यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा इतनी है एक दूसरे से दूसरे के सिरों से जोड़ा जाता है परणामी गनाओ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बता चुके थे आपको पड़ोसी के घर का एग्जाम्पल दिया था वही है अगर इसका टोटल सरफेस एरिया सिक्स स्क्वायर ठीक है ये दो हैं तो इसमें दो का और ये दो फेस दब जाएंगे एक फेस का एरिया दो आ रहे तो हो जाएगा रहेगा बारह बारह में से दो गए दस ए स्क्वायर यानी कि दस बोड़े में सौ आंसर आ गया एक हजार अगला सवाल यदि तीन घन के फलकों की माप इतनी इतनी है तो घन बनाया जाता है नए घन का फलक क्या होगा आसान है देखो तीन की पावर तीन चार की पावर तीन पांच की पावर तीन से एक घन बनाया गया तीन तरकौतियां सत्ताईस चार चौकू सोलह चौकू चौसठ पचम पच्चीस एक सौ पच्चीस पांच चार नौ सात सोलह हो गया अब इसमें से ऐसा नंबर पकड़ो जिसका क्यूब करने पर हमें छ मिल जाए ठीक है चार का क्यूब करेंगे चार चौकू सोलह हो गया चार छबीस चार देगा हटा दो सात से मिल नहीं सकता सात का क्यूब तीन सौ तैतालीस होता है छ का क्यूब दो तो सौ सोलह होता है इससे मिल सकता है पांच से भी नहीं मिल सकता आंसर लगा दो आप अब ऐसा मत करना कि पूरा निकालने नहीं बैठ गए फिर तो टाइम चला जाएगा ठीक है अगला सवाल बीस सेंटीमीटर ब्यास वाले कांच के बेलन में यानी कि ब्यास है तो सबसे पहले दस हो गया नौ सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है इसमें आठ सेंटीमीटर भुजा के धातु के घन का पूरी तरह से डूबा हुआ है बेलन में ऊपर उठे पानी की ऊंचाई क्या हुई जितना पानी उठेगा उतने ही पानी के वॉल्यूम के बराबर उस घन के वॉल्यूम हो जाएगा खत्म हो गया सवाल आर उस का मतलब दस घोड़े में दस और उतना ही उठेगा और इधर आठ सेंटीमीटर बुझाती तो आठ घोड़े में आठ हो गया ठीक है तो एच बराबर लिखेंगे थ्री पॉइंट वन फोर टू यानी कि वन फोर टू करेंगे तो यहाँ पर पांच सौ बारह ठीक है थ्री वन फोर पॉइंट टू हो गया आप इसको देखो ऑप्शन से थोड़ा करने की कोशिश करेंगे नहीं तो फिर तो क्या है लेंदी बन जाएगा भाई ठीक है देखो अगर सोलह दूनी बत्तीस करें सोलह दूनी बत्तीस और हाथ से लगा तीन सोलह चौकू चौसठ और तीन उन्नीस चौसठ तीन सड़सठ जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं मैं भाई सोलह एक सोलह छह बाईस हो गया यहाँ से लगा दो सोलह तीन अड़तालीस हो दो पचास हो गया अब देखो इससे छोटा तो हो नहीं सकता लगा दो तो खत्म करो अगला सवाल एक बर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है साइकिल से इतने की स्थिर दर से विकर्ण के रूप से विकर्ण रूप से क्षेत्र को पार करने में कितना समय लगेगा हमने आपको बताया था कि विकर्ण का स्क्वायर बटे में दो ये एरिया होता है यानी कि अगर डायगनल का स्क्वायर बराबर में बहत्तर सौ गोड़े में दो कर देंगे तो वन फोर फोर डबल जीरो आ जाएगा यानी कि डायगनल बराबर में एक सौ बीस हो गया अब इसी के थ्रू जाना है चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि पांच बटे अठारह हो गया तो इधर चारतियां बारह हो गया पांच छक्का तीस हो गया अठारह छक्का एक सौ आठ हो गया लेकिन हमें इसको किस में बनाना है मिनट में बनाना है लेकिन ऑप्शन से तो लग नहीं रहा कुछ आएगा बारह नए में एक सौ आठ बारह पंजे साठ यानी कि नौ बटे पांच आना चाहिए इसको ऐसे कर लेना ठीक है अगला सवाल कह रहा था एक हॉल का फर्श आयताकार है इसकी लंबाई तीस मीटर और चौड़ाई इतनी है ढकने के लिए इतने आकार के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी कुछ नहीं दोनों को एरिया बराबर कर दो और छ इंटू चार यानी कि छ बाई चार के ए हमें कालीन चाहिए होंगे तो चौबीस से चौबीस कैंसिल आउट आंसर आ गया तीस अगला सवाल कह रहा था आधार चौवालिस सेंटीमीटर ऊंचाई इतने सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा देखो अभी सवाल काफी छोड़े हैं देखो त्रिज्या इतनी आयतन निकालना है इसमें देखो क्या है सिंपल सा आपको पद का एरिया निकालना था यानी कि इस टाइप से बनाते हैं तो ये स्मॉल आ रहा है ये कैपिटल आ रहा है यानी कि क्या लिख देते हैं हमें इसी का क्या बताना एरिया तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर तो ये सवाल आपको ये पता है यहाँ पर देखो वो कह रहा था दस परसेंट अधिक है तो एक दस है और दस परसेंट अधिक कर देंगे दूसरी ग्यारह हो गई इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये बराबर में दिया गया था तो ये सब सवाल हम छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको खुद से करने ऐसा हैं ऐसा नहीं कि सब मेरे ऊपर छोड़ दोगे हाँ कोई दिक्कत आती है तो नाइन नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन सेवन सेवन इस पर आप भेज सकते हैं देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना क्या ध्यान रखोगे कि करने जरूर है क्योंकि आप कैलकुलेशन घर पर बैठ के नहीं करते हो अगर करते होते तो हमें ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप करो क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तभी कोई ज्ञान बढ़ेगा तो तो ये हो गया गया में जोड़ देंगे तो आंसर आ गया। अगला सवाल। एक का क्षेत्रफल इतना यदि पार्क के अंदर चारों ओर मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है तब पथ का क्षेत्रफल क्या होगा कह रहा था वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ये पार पार करा और पार्क के अंदर चारों ओर सात मीटर चौड़ा यानी कि ये बनाया गया यानी कि अगर पूरी हम रेडियस लिख दे कैपिटल आर तो ये कितनी हो गई आर माइनस का आर हो गया यानी कि पूरे का अगर एरिया लिखते तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया गया था तेरह सौ छियासी यानी कि आर स्क्वायर बराबर अगर हम लिखते तो तेरह सौ छियासी ये यह हमने यहाँ पर सात कर लो ठीक है अब हमें क्या पूछा गया था पथ का क्षेत्रफल कितना होगा बहुत आसान हो गया तो इधर हो जाएगा बाईस सात ऊपर चला गया तो यहाँ पर करेंगे ग्यारह दूनी बाईस एक बार गया दो बचा बाईस छ हो गया दो छक्के बारह हो गया दो तिया छह हो गया इसको लिख सकते हैं सात ने मैं तिरसठ घोड़े में सात यानी कि कैपिटल आर आ गई हमारे पास सात घोड़े में तीन यानी कि इक्कीस सेंटीमीटर अब यहाँ पर देखो जब ये इक्कीस सेंटीमीटर पूरी आ गई और अंदर वाली रेडियस इक्कीस से हम सात घटा देंगे तो कितना बचेगा चौदह अब हमें ये दोनों का एरिया घटाना था यानी कि पाई आर स्क्वायर मतलब इक्कीस का स्क्वायर माइनस में ये चौदह का स्क्वायर बस इसका मान निकालना था। एक बार दोनों को जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो चार एक पांच, दो एक तीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ठीक है सात चार ग्यारह हो गया इधर बाईस बटे में सात था ये कैंसिल आउट हो गया बाईस पंजे एक सौ दस बाईस तीन छियासठ ग्यारह आंसर अगला सवाल दो बेलो की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतन का अनुपात भाई सिंपल सा आपको पता है पाई स्क्वायर होता है, है तो पाई तो दोनों जगह कट ही जाना है रेडियस का स्क्वायर होगा तो चार बटे में इसमें कितना हो गया तीन का नौ हो गया हाइट में पांच बटे में तीन हो गया कुछ कटना तो है नहीं तो पांचों को बीस नौतीय सत्ताइस आंसर आ गया बीस रेशियो सताइस अगला सवाल इतने सेंटीमीटर और इतने वाले त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घरे बलय का आकार का क्षेत्र आसान हो गया ये भी ये देखो आर ये कैपिटल आर आपको निकालना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान ठीक है तो पाई का मतलब बाईस माइनस में सात का स्क्वायर यानी कि हम लिख सकते हैं एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस का भी और ए प्लस का भी ये होता है ठीक है तो सात चार ग्यारह हो गया चौदह सात गया सात हो गया इक्कीस दूनी बयालीस हो गया इक्कीस दूनी बयालीस और चार छियालीस अगला सवाल यदि एक व्रत और एक संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जहां एक व्रत का व्यास सम्भाव त्रिभुज के बराबर है त्रिभुज की भुजा के बराबर है यानी कि डाया है अगर संभाव त्रिभुज के ए मान ले तो ये ए हो गया यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी ए वाई में टू हो जाएगी ठीक है तो भई हमें करना था यानी कि अगर व्रत का एरिया लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वाई में फोर हो गया और अगर हम शंकु का लिखेंगे शंकु का कह रहे हूँ संभाव त्रिभुज का तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल आउट ये इससे यानी कि पाई रेशियो में रूट थ्री आंसर अगला सवाल कह रहा था साठ हजार गुना आवर्धित जीवाणुओं का एक बिंब 6 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त करती है तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी है क्या मतलब हुआ भाई अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज टाइम्स अटेंस अच्छा ठीक है अगर उसकी हाइट इतनी थी या लंबाई इतनी थी तो वो इतना हो जाता है और जो कितना गेन कर लेता है सेंटीमीटर यानी कि से बराबर करेंगे तो एक बटे में दस ये इतना आ रहा है ठीक है कहीं लिखा है अगला सवाल दो गनों का इतनों का अनुपात इतना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा देखो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफलों की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर होता है यहाँ पर क्यूब हो रहा है तो इनका क्यूब रूट ले लो तो ये हो गया हमारे पास चार चौकू सोलह चौकू चौसठ ये ग्यारह का अब होल स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मेंिक्स ए स्क्वायर करना पड़ेगा तो सिक्स तो दोनों में आया होगा ए स्क्वायर का काम बचता है तो सोलह अगला सवाल वृत्त के एक की त्रिज्या इतनी है केंद्रीय कोण इतना अनुमानित परिधि बतानी यानी कि टू पाई आर ठीठा बटे में तीन सौ साठ का मान हमें निकालना है तो दो गुड़े में बाईस बटे में सात आर का मान हमारे पास हो गया अठारह एन में एक सौ पच्चीस बटे में हो गया तीन सौ साठ अठारह धुनी छत्तीस हो गया दो एकम दो हो गया ठीक है और दो पंजे दस हो जाएगा इधर करेंगे तो ये ग्यारह हो गया पाँच धुनी दस हो गया पचम पच्चीस यानी कि टू सेवन फाइव अपॉन में सेवन हो गया तो इधर करेंगे सात सातियाँ इक्कीस हो गया बचा कितना है छः सात में तिरसठ हो गया बचा कितना है दो पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाया सात धुनी चौदह हो गया ठीक है ये जो आया है ना ये आया केवल इसका मान

सीढ़ी का पैर दीवार से इतने दूर है ठीक है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी यानी कि ये हमसे पूछा गया तो सबसे पहले देखो ये पैंतालीस हो गया और ये यहाँ पर अगर एक हो तो ये भी एक होगा क्योंकि दोनों कोण बराबर है ये रूट टू हो जाता है इसका मतलब एक बराबर में चार रूट दो दिया गया तो रूट टू बराबर क्या हो जाएगा चार रूट दो बटे में एक गुड़े में रूट दो यानी कि दोनों का गुणा करेंगे दो तो आठ आ जाएगा आंसर अगर ये सब नहीं पता तब भी हो जाएगा बराबर क्या होता है बेस, बेस का मतलब फोर रूट टू, और अपॉन में क्या हो गया जो हमें निकालना था ठीक है एक्स हो गया यानी कि इसका मान बना अपॉन में रूट टू हो गया फोर रूट टू अपॉन में एक्स सेम चीज निकल कर आ जाएगी अगला सवाल दो संकुओं के आधार का व्यास समान उनकी त्रियक ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे देखो बिल्कुल सेम होंगे मतलब रेशियो सेम होगा क्योंकि आप जब लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे सॉरी टू पाई आर एच और इसी तरीके से टू पाई आर एच अलग आ जाएगा तो ये आपको पता है रेडियस बराबर है तो ये तो कट ही जाना है केवल हाइट पर फर्क पड़ना था ठीक है तो यही आंसर अगला सवाल किसी शहर का नक्शा पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो सेंटीमीटर से किलोमीटर के पैमाने पर बनाया जाता है तो आठ हजार वर्ग किलोमीटर के लिए क्षेत्रफल वाले देश का क्षेत्रफल क्या होगा सबसे पहले देखो अगर इसका एरिया लिखोगे तो पचम पचीस आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा चार के बाद तो एक चीज आपको पता लग गई एक किलोमीटर पैमाना था एक किलोमीटर पैमाना उसका एरिया लिखोगे तो एक गुड़े में एक आ जाएगा उसका मान दिया गया था पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव हमें आठ हजार का निकालना था यानी कि पॉइंट जीरो में हो क्षेत्रफल तो के, के सबसे निकट होगा जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है भाई देखो बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको पता है जब दो होता है तो एरिया रूट थ्री यहाँ पर दस कैगुना हो गया पांच का पांच का स्क्वायर पच्चीस और रूट थ्री जिपका दो रूट थ्री का मान आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था वन पॉइंट सेवन थ्री टू ये होता है भाई ये पता होना चाहिए रूट टू का मान होता है वन पॉइंट फोर वन फोर और रूट थ्री का मान होता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू और भी लिखदा लिखवा दे क्या बताओ रूट फोर का तो देखो पता ही होगा बहुत याद कर मत लेना टू पॉइंट टू थ्री सिक्स हो गया रूट सिक्स का करना चाहोगे तो टू पॉइंट फोर फोर नाइन फोर होता ठीक है रूट सेवन तक ही मैंने याद किए थे टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव सेवन बस इतने याद है बाकी आगे आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो खुद से अगला सवाल करें करें क्या गुणा तो कर ही लें पच्चीस दूनी पचास हो गया और हासिल से लगा पाँच हो गया पच्चीस तीन पचहत्तर और पाँच अस्सी हो गया हासिल लगा आठ हो गया पच्चीस सत्तर एक सौ पचहत्तर और आठ तिरासी हो गया एक सौ तिरासी हुआ तो अठारह हासिल हो गया पच्चीस से कम पच्चीस और आठ तैंतीस और दस तैंतालीस यानी कि तैतालीस दशमलव तीन कहीं लिखा है तो तैतालीस दशमलव यही आंसर हो गया ठीक है अप्रोक्सीमेट में आ गया अगला सवाल करें चलो फिर लकड़ी के लट्ठों के तीन टुकड़े जो इतने इतने लंबे हैं अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिससे इन्हें पूरी तरह से मापा जा सके सबसे पहले तो एक देखो ये सारे इवन नंबर है हमें अधिकतम लंबाई चाहिए हमें निकालना एस सी यानी कि ये इवन नंबर है तो एस हमारा इवन नंबर के साथ ही आना चाहिए हटा दो हटा दो हटा दो आंसर भाई ऐसा मैक्सिमम नंबर होगा जो इन सबको काट रहा होगा तो आंसर तो ऐसे ही आ गया बाकी एस निकालना था अगला सवाल एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आधा ही होगा ठीक है ये याद रखना छोटी छोटी चीजें करके तो नहीं दिखाना है देखो अगर मान लो अगर मान लो ये मध्य बिंदु हो गए ये मध्य बिंदु ये इससे मिला दिया अगर हमने ये पूरी भुजा टू ए मान ली तो ये ए होगा ये भी ये होगा जब ये 90 बना रहा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट टू ए हो जाएगा यानी कि अगर बाहर वाले का एरिया लिखें बाहर वाले का एरिया लिखें तो टू ए का होल स्क्वायर और अंदर जो बनाया है वो रूट टू ए का होल स्क्वायर यानी कि इधर चार ए स्क्वायर हो गया इधर टू ए स्क्वायर हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया दो एक दो दो, दो नहीं चार दो रेशियो एक में आया इसका मान अगर छत्तीस है तो इसका मान अठारह ठीक है अगला सवाल एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए सात सौ चौरासी वर्गकार टाइलें प्रत्येक और पचास बाई पचास की ये कुछ रही होगी और सात सौ चौरासी टाइलों की जरूरत पड़ी यानी कि इसके बराबर होगा लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर में था हमें ऑप्शन में मीटर में बोल रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में यानी कि से में भाग करना पड़ेगा दो बार क्योंकि पचास दो बार आया तो ये दो बार चला जाएगा ये दो बार चला गया चार से काटेंगे तो चार एकम चार तीन चार नतीस चार चंद चौबीस यानी कि बराबर क्या आ गया अगला सवाल एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है चौड़ाई लंबाई से इतनी कम है मैदान की परिधि कितनी होगी तो देखो छह पांच ग्यारह एक्स हो गया इन में दो इतनी होगी ग्यारह का मल्टीपल देखो एक ही जगह आ रहा था बाकी तो आप कर सकते हैं इसको ठीक है अगला सवाल एक आयताकार खेत को तीन तरफ से घेरा जाता है तीस फीट का एक किनारा खुला छोड़ दिया जाता है खेत का क्षेत्रफल इतना है ठीक है क्षेत्रफल इतना है, दूसरा किनारा तो हमें पता नहीं छह सौ नब्बे यानी कि एक्स बराबर करेंगे ती तीन दूनी छह तीन तरह का नौ ये एक साइड आ गई एक साइड हमको तीस फीट पता नहीं अब घेरा जाता तो तीस फीट का किनारा खुला छोड़ दिया जाता है यानी कि ये तीस वाला उसने खुला छोड़ दिया बाकी ये तेईस तेईस रहा और ये तीसरा तो कह रहा था कितने फुट बाढ़ लाने यानी कि तेईस दूनी छियालीस चालीस च्यारे तीस सत्तर यानी कि छिहत्तर फिट ठीक है अगला सवाल अब ये सवाल इसी टाइप का कर भी चुके थे अभी सात छः तेरह एक्स इंटू में दो तो इसका मान हमें निकालना था तेरह का मल्टीपल अगला सवाल करें बाकी तो आसान है भाई यहाँ पर सात से छः गया एक, एक बराबर में पैंतीस दिया गया था हमें और फिर निकालते तो सात गुड़े में पैंतीस छः गुड़े में पैंतीस ठीक है इन्हें दोनों को हमें जोड़ना पड़ता इन दोनों को अच्छा करना ही क्यों था एक बराबर पैंतीस आ गया तो तेरह गुड़े में पैंतीस गुड़े में दो कर दो बस पैतीस दो नहीं सत्तर तेरह सत्तर इक्यानवे नौ सौ दस पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहा था ठीक <laughs> है कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बाद में मैं वीडियो देखता हूँ तो कहता कितना लेंदी बता दिया नहीं रहता दिमाग में नहीं आती प्रोसेस ठीक है हो जाता है कभी कभी बाकी पूरी कोशिश रहती पूरा शॉर्ट बताने का आपने देखा होगा कि कोशिश तो पूरी यही है बाकी अगर कुछ रह जाता तो आप लोग बता सकते हैं ठीक है अगला सवाल पचासी रुपए प्रति मीटर की दर से इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बर्खाकार भूखंड पर बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी अब देखो ये हमको क्या दिया गया एरिया दिया गया था अगर हम देखते तो हमें फोर ए पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा उसमें हमें पचासी का गुणा करना पड़ेगा यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सात का मल्टीपल मतलब सत्रह का चार का पांच का और जो कुछ भी आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो ऑप्शन में अगर देखेंगे चार का तो सभी हो रहा है सत्रह से आप चेक कर सकते हैं तो अगर सत्रह दूनी चौतीस किया तो ये, नहीं हो, ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता आंसर लगा दो इसके अलावा सिंपल सा हमें ये देखना है ये क्या लिखा वर्गाकार का एरिया यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमें दिया था एलेवन जीरो टू फाइव अब यहाँ पर करने में तो बहुत आसान है कैसे करोगे बस ये समझ लो अगर हम सौ का स्क्वायर करें तो कितना होता है सौ का स्क्वायर एक दो तीन चार अगर हम 110 का स्क्वायर करें तो 11 ग्यारह एक सौ इक्कीस एक दो जीरो यानी कि जो ये नंबर लिखा है जो ये नंबर लिखा है वो इसी के तो बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा और लास्ट में हमें पांच मिल गया तो पांच केवल इन दोनों के बीच में अगर देखें कौन सा सौ और एक सौ दस के बीच में केवल एक सौ पांच ही ऐसा नंबर है जो लास्ट में हमें इनो डिजिट पांच दे दे यानी कि यहां पर अगर लिखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा एक सौ पांच हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे चार या तो पांच को बीस कर लो गुड़े में सत्रह गुड़े में एक सौ पांच हो गया जो जीरो हो जाएगा दो पंजे दस हो जाएगा और दो एकम दो गुड़े में सत्रह कर देंगे तो जीरो जीरो सत्रह एकम सत्रह सत्रह दूनी चौतीस एक पैंतीस आंसर ठीक है अगला सवाल तो एक डोरी एक वर्ग के आकार की है जो बाईस सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को घेरे हुए है यदि वही डोरी एक व्रत में बनी होती तो व्रत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता है पाई पाईआर स्क्वायर यानी कि बाईस बटे में सात आर स्क्वायर हो गया ठीक है अब हमें ग्यारह का तो डिविजिबिलिटी दिख नहीं रही लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी होता ये नीचे सात लिखा अगर मान लो इसमें सात आ भी रहा होता तो हमें एटलीस्ट दो बार तो सात लिखना ही होता तभी तो ये साथ कट पाता यानी कहीं ना कहीं सात का मल्टीपल होगा

तो दो गुड़े में रूट बाईस हो गया बटे में बाईस हो गया और गुड़े में सात हो जाएगा ये हमारे पास आर का मान आएगा अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो बाईस बटे में सात हो गया आर का मान रखेंगे तो बाईस हो जाएगा बटे में ग्यारह गुड़े में ग्यारह इन टू में हमारे पास सात हो गया तो ये सात से सात ग्यारह दूनी बाईस हो गया ग्यारह दूनी बाईस हो गया दो दूनी चार ये आंसर आ जाएगा कुछ मिस कर दिया क्या अच्छा ये स्क्वायर किया था दो बार सात आएगा ठीक है तो भी आएगा यहाँ पर गुड़े में सात चौक अट्ठा तो आप जैसे देखो कितने स्मार्ट तरीके से कर पा रहे आप या तो पूरा लेंदी कर लो या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचकर आप मल्टीपल चेक कर लो ठीक है अगला सवाल रहता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं इतनी और इतनी हैं और गैर समानांतर भुजाएं इतने के बराबर हैं तो देखो समलम्ब चतुर्भुज एक बना लेते हैं ये बन गया हमारे पास यानी कि ये हमारे पास बीस हो गया ये हमारे पास दस हो गया इसमें देखो ये काफी तरीके से किया जा सकता है सवाल सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से इस तरीके से इसको आयत बना ले वो वाला आयत नहीं है तो जो याद कर लिया है आयत की तरह ठीक है तो ये बन जाएगा भैया और इधर बराबर बराबर बचता यानी कि दस हो गया तो इधर पांच ये बचा और इधर ये पाँच ये बच गया अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि नॉन पैरल साइड आपको कितनी दे दी थी ये दस दे दी थी यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कितना हो जाएगा दस का स्क्वायर माइनस का पांच का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो दस पांच पंद्रह हो गया दस से पाँच गया तो पांच हो गया यानी कि इधर लिखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगी यानी कि ये जो हाइट है ये जो हाइट है पाँच या पंद्रह होता है तो पांच बाहर आ जाएगा रूट थ्री हो जाएगा यानी कि नॉन पैरल साइड का सम दस प्लस का बीस और पांच रूट थ्री यानी कि हाइट तो ये हो गया पंद्रह तो पंद्रह पन्ना पचहत्तर रूट थ्री आप कैसे एक और तरीका कर सकते थे इस तरीके से बना सकते थे ये हम इसको रोमबस में बना लें ये दस हो गया तो ये दस ये दस ये दस हो गया तो ये पूरी बीस थी तो ये भी दस बचा यहाँ से अगर डालेंगे ये क्या हो गया था ये हमारा बन गया था आइसोसलेस्ट एंगल तो ये पाँच पाँच में डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ से भी हाइट आ जाती लेकिन बात वही है अगला सवाल कह रहा था अस्सी सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या इतनी है और इतने मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को तय करने के लिए रोलर द्वारा किए जाने वाले चक्रों की संख्या बताइए कितना इतना क्षेत्रफल अब रोलर हमारा होता कैसा है ऐसा होता है यानी कि इस तरीके से होगा तो इसका जो कर्फ सरफेस एरिया है वही तो हमारा चढ़ेगा वही एरिया कवर करेगा यानी कि ये होता टू पाई आर एच यानी कि दो गुड़े में बाईस बटे में सात आर का मान हमें सतहत्तर दिया था और कह रहा था अस्सी सेंटीमीटर चौड़ा यानी कि जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी ये अस्सी थी ठीक थी। है अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या देखेंगे कुछ देखना ही नहीं है ये तो ग्यारह हो गया यानी कि ये जो एरिया कर रहा है एक चक्कर में कवर वो इतना कर रहा है और फिर करना कि ये सेंटीमीटर में था यानी कि हमें मीटर में चाहिए तो हमने जो लिखा है उसको छोड़ दो यानी कि ये एन चक्कर लगाएगा तो इतना एरिया और 96.8 मीटर स्क्वायर लिखा है इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 गुणे में 100 दो बार क्यों करना पड़ा क्योंकि यहां पर ये जो था वो मीटर स्क्वायर था तो बनाएंगे तो सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर करने के लिए हमें दो बार सौ का गुणा करना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे बाकी कैलकुलेशन बचती है यानी कि ये पॉइंट तो चला गया किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट ये भी इधर से उड़ा दो तो इधर करेंगे आठ से कट जाएगा आठे कम आठ आठ दूनी सोलह आठे कम आठ हो गया ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस ग्यारह दूनी बाईस हो गया यानी कि चार हो गया इधर चला जाएगा पच्चीस यानी कि एन बराबर कितना आ गया ट्वेंटी फाइव अगला सवाल अब ये सवाल देखो आसान बहुत है करवाना नहीं था इसको एक चीज देखो आयतन पूछा गया घन का आयतन क्या होता है एक क्यू कुछ नहीं करना क्या दिया गया हमें नहीं मतलब है पॉइंट वगैरह में तो बात अलग है क्योंकि एक क्यूब एक ही आपको दिख रहा है ना सत्रह सट्ठाईस बारह का क्यूब होता है बाकी तो कुछ नहीं लिखा है तो इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं देखना तुरंत आंसर लगाना अगला सवाल कह रहा था सोलह सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों को एक पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ा गया है इस प्रकार बने गनाओ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस टाइप का सवाल कर चुके हैं तीन घन है पड़ोसी के घर वाली बात याद है ना ताका झाकी वाली तो इस तरीके से रहा अब अगर हम एक का लिखते टोटल सरफेस एरिया तो सिक्स ए स्क्वायर आता तीनों का लिखते तो ये आता लेकिन जब सटे हुए हैं सटे हुए हैं तो ये चार वाले जो चार हैं फेस हमारे दब जाते हैं यानी कि एक फेस का एरिया इतना है तो चार फेस का एरिया चार हो गया यानी कि फोर ए स्क्वायर हो गया तो अट्ठारह से चार गया तो बारह ए स्क्वायर हो गया तो बारह गुड़े में सोलह 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 दो सौ छप्पन हो गया तो बारह छंग बहत्तर हो गया लेकिन आ तो रहा ही नहीं अच्छा छतियाँ अठारह चार चौदह हो जाएगा नहीं मैं कहूँ चौदह छंग चौरासी इन्हें डिजिट नहीं मिली थी ना एकदम से समझ गया यानी कि चौदह छंग चौरासी हो गया हाँ से लगा आठ हो गया चौदह पंजे सत्तर हो गया चौदह दुनिया अट्ठाईस और सात पैंतीस पैंतीस चौरासी आंसर अगला सवाल कह रहा था एक ठोस लंबी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी देखो कह रहा था बेलन की ऊंचाई अगर फार्मूला लिखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का तो आर स्क्वायर में दो बार फर्क पड़ेगा हाइट में एक बार फर्क पड़ेगा यानी कि हाइट ऊंचाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए हाइट को हमने दोगुना कर दिया अगर रेडियस को हम करेंगे दोगुना तो दो बार हमें करना पड़ेगा

इतना खर्चा आता है देखो हमें चारों दीवारें करनी है यानी कि चारों दीवारों का एरिया हो गया ये छत हमें और चाहिए यानी कि एल इंटू में बी और आ जाएगा यानी कि दो हो गया बारह प्लस का आठ हो गया हाइट हमारे पास चार थी प्लस में बारह गुणे में आठ हो गया और इसे टोटल में हमें पाँच का गुणा करना पड़ेगा तो बारह आठ बीस हो गया बीस गुणी चालीस यानी कि एक सौ साठ हो गया और प्लस में बारह अठे छियानवे हो गया इंटू में फाइव तो था यानी कि छ हो गया नौ छः पंद्रह हो गया दो सौ छप्पन गोड़े में पांच पांच छक्का तीस हो गया पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस अगला सवाल एक मछली घर एक घनाव के आकार का है है जिसकी बाहरी माप इतनी इतनी आधार पार्श्वफलक और को रंगीन कागज से ढकना है तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कह रहा था साइड फेस एंड बैक फेस यानी कि आप देखो जिस कमरे में बैठे हो ना उसके बारे में सोचो तब अच्छे से समझ पाओगे जिस भी कमरे में बैठे हो उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस देखो वो ये कह रहा था बेस यानी कि इसको हमें करना है ठीक है साइड फेसेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस यानी कि साइड वाले फेसेस ये हो गया और एक ये हो गया कलर चेंज कर लें क्या चलो कलर चेंज कर लेते यानी कि ये वाला फेस हो गया और ये वाला फेस हो और वो ये कह रहा था बैक फेसेस नहीं लिखा है फेस लिखा है केवल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है यानी कि ये वाला यानी कि जो फ्रंट का फेस है वो हमें बिल्कुल नहीं लेना है यानी कि कहने का मतलब है अगर बेस का हम लेते एल तो इंटू में बी हो जाता साइड में अगर लेते तो हमें हाइट मिलती और उसकी चौड़ाई यानी कि बी मिलती यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा एच इन में बी हो जाएगा और ये कौन से फेस ये दो फेस बनते यानी कि बी हो जाता है ये एच यानी कि दो हो जाता और बैक वाले फेस में देखो ये एल मिलती और हाइट मिलती यानी कि एल इंटू में एच हो गया ठीक है तो एल इंटू में भी यानी कि अस्सी गुड़े में तीस हो गया प्लस में एच इंटू में भी यानी कि तीस गुड़े में चालीस इंटू में दो हो गया प्लस में चालीस गुड़े में अस्सी हो गया तो इधर हो गया चौबीस सौ इधर चारतियाँ बारह बारह दूनी चौबीस सौ ये भी हो गया इधर आठ चौक बत्तीस सौ हो गया तो जीरो हो गया चार चार आठ तो दस हो गया तीन दो पाँच दो सात एक आठ यानी कि आठ हजार आंसर अगला सवाल कह रहा था चालीस मीटर लंबी और इतने सेंटीमीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंचाई वाली दीवार के लिए इतने सेंटीमीटर लंबाई इतने सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई देखो ये सब सारे किस में लिखे सेंटीमीटर में हम इधर भी सेंटीमीटर में लिखते चलते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम बराबर करना है तो चालीस गुड़े में सौ हो गया और फिर इन टू में करेंगे तो अस्सी सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ था छह मीटर लिखा हुआ तो घोड़े में सौ कर दिया ये भी किस में बन गया सेंटीमीटर में बन गया यानी कि इतने टोटल वॉल्यूम में हमें ईट लगानी है ठीक है अब एक ईंट का अगर देखेंगे तो 25 गुड़े में पांच गुड़े में 20 इतना वॉल्यूम था यानी कि इतनी ये ईटे चाहिए ठीक है वैसे तो अगर देखोगे जनरली तो ये सवाल गलत हो जाता है आप भाई घर में वो भी तो लगाते हो सीमेंट वगैरह लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है तो ये करेंगे तो पच्चीस 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 चौकू सौ कर लो इधर करेंगे तो ये चार पंजे बीस हो गया और पाँच दूनी दस हो गया इधर करेंगे तो ये पाँच चौकू बीस हो गया ठीक है तो आठ चौक बत्तीस हो गया आठ चौक बत्तीस घोड़े में छः चौक चौबीस चौबीस दूनी अड़तालीस हो गया और तिया बहत्तर और चार छहत्तर यानी कि सेवन सिक्स एट कहीं लिखा है आंसर लगा दो जीरो से मतलब नहीं है चेंज करके बस आपको दिखा दिया नहीं तो पहले की तरह बिना जीरो को कर कैसे चालीस गुड़े में अस्सी गुड़े में छः बराबर में पच्चीस गुड़े में पाँच गुड़े में बीस बस तो बीस चौकू अस्सी हो जाता इधर पच्चीस लिखा अब इतना तो मान के चलो उधर दु, दु, दुनिया भर के सौ होंगे नहीं भी मान के चलते हो तब भी होगा अब यहाँ पर करते तो ये पाँच से काट देते पान अठे चालीस हो गया इधर देखो हम इसमें भी चार का गुणा कर देते इस साइड भी चार का गुणा कर देते तो इधर तो सौ बन गया कोई मतलब ही नहीं इधर कर लो चार चौकू सोलह सोलह छक्का छियानवे छियानवे गुणे में आठ किया तो आठ चंग अड़तालीस हासिल लगा चार हो गया आठन बहत्तर चार छिहत्तर कहीं सात सौ अड़सठ लिखा है आंसर जीरो तो चेंज करके आपको दिखा दिया नहीं तो कोई मतलब नहीं जब तक ऑप्शन ना चाहे अगला सवाल कह रहा था एक आयताकार पार्क के भीतरी भाग के चारों ओर एक पथ जिसकी बीमाएं इतनी इतनी है और इतने मीटर स्क्वायर घेरता है पथ की चौड़ाई क्या होगी देखो इस तरीके से रहा ठीक है यहाँ पर कोई बना होगा और इसकी जो बीमाएं है वो सैतीस और तीस यानी कि यहाँ पर ये एक्स रहा इधर भी एक्स रहा होगा इधर भी एक्स रहा होगा, होगा, होगा यानी कि ये भी एक्स यानी कि अगर हम पार्थ जो पथ है हमारा बे है उसका अगर रास्ता निकाले रास्ता कह रहा हूं एरिया तो सैंतीस घोड़े में तीस माइनस में भाई ये हमें अंदर की साइड पता लग जाए तो वो निकाल लेंगे यानी कि ये सैंतीस माइनस का टू एक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ एक्स एक्स की चौड़ाई जा रही है इसलिए ठीक है अगर हम इसकी ये वाली चौड़ाई निकालें तो ये हो जाएगी तीस माइनस का टू एक्स हो जाएगा यानी कि यहां पर हमें करना पड़ेगा सैंतीस माइनस का टू एक्स और इंटू में करना पड़ेगा तीस माइनस का टू एक्स और ये बराबर में हो गया पाँच सौ सत्तर तो ये जीरो हो गया और तीन सत्ते इक्कीस हो गया तीन तरह का नौ दो ग्यारह माइनस का पांच सौ सत्तर हो गया बराबर में हो गया सैतीस माइनस का टू एक्स और इधर हो गया तीस माइनस का टू एक्स यानी कि अगर हम इधर से दो कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा पंद्रह माइनस का पंद्रह माइनस का एक्स बन जाएगा इधर घटाएंगे तो जीरो ग्यारह से सात गया तो चार हो गया दस से पांच गया तो पांच यानी कि इसे दो से काट देंगे तो सत्ताईस उन्नीस चौवन होता है दो सौ सत्तर बराबर सैंतीस माइनस का टू एक्स और पंद्रह देखो या तो बना लो या तो फिर आप में भी आपको आनंद नहीं आएगा तो अब यहाँ पर बुझाएं हमें बड़ा हिसाब से लेनी है क्यों हिसाब से लेनी है कि देखो अगर हम दस लेते हैं तो सैतीस से पूरा बीस घटाना पड़ेगा भाई हमने एक्स बराबर में दस लिया तो दस दूनी बीस हो गया तो सात पचास तीन से दो हो गया एक और इधर दस लिया तो इधर पाँच बन जाएगा पंद्रह से दस कटाएंगे पाँच तो ये तो नहीं होगा ठीक है ये ओरल करते चलना है भाई दो सौ सत्तर इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आप सोच ना पाओ बस कुल मिलाकर यहाँ देख लो पंद्रह में से एक्स का मान ऐसा रखें कि हमें जीरो मिल जाए ये ज़्यादा बेटर रहेगा अब पूरा पंद्रह तो रख नहीं सकते बड़ा अट्ठाईस आ नहीं सकता दस तो हमने हटा ही दिया था और पाँच अगर रखेंगे तो ये माइनस का पाँच तो दस बचा इसमें से दूनी दस यानी कि सात और तीन से एक गया तो दो देखो सेटिस्फाइड हो गया आंसर लगा अगला सवाल अब ये देखो भाई एक संभाव त्रिभुज के आंतरिक कोण का बाहरी कोण से अनुपात इतना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी अब बताओ ये सवाल ज्योमेट्री में बहुत करवा चुके हैं चलो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे तीन सौ तेईस का ऑप्शन में लिखेंगे ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा ज्योमेट्री अगर देखी होगी आप फटाक से कर देंगे ठीक है अगला सवाल यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है ब्यास इतना है तो आयतनों का अनुपात देखो जब रेशियो में बात हो ना तो ब्यास से कोई मतलब नहीं पड़ता चाहे रेडियस हो चाहे ब्यास हो आपको लेना वैसे क्योंकि अपॉन में दो करोगे तो वो कट ही जाना है आयतन आपको ऐसे ही लिखना है यानी कि चार गुड़े में चार रेडियस हो गई और दूसरे की अगर रेडियस लिखेंगे पांच गुड़े में पांच पहले की हाइट एक थी दूसरे की चार थी ये इससे कैंसिल आउट हो गया यानी कि चार बटे में पच्चीस आंसर आ गया ठीक है जब अगर रेशियो की बात नहीं होती तो एग्जैक्ट करना पड़ता अगला सवाल यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी है तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ये देखो अगर आपको बेसिक फार्मूला पता ना तो दो गुड़े में पैंतीस यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते ये हटा दो सात का मल्टीपल आ रहा है यानी कि सात चौक अट्ठाईस तीन बचा ये नहीं हो सकता सात चौक अट्ठाईस आंसर लगा भाई फार्मूला सिंपल होता है एल प्लस का बी इंटू में एच यानी कि मैंने देख लिया दो गुड़े में पैंतीस आना है एल प्लस में बीस यानी कि बीस प्लस का पच्चीस एल प्लस का बी ठीक है अब यहाँ पर एक चीज देखो हमने जैसे ही देखा जीरो आना है क्योंकि दो गुड़े में पैंतीस दो पंजे दस तो दो तो ऑप्शन हटा दिए इसमें से सात का मल्टीपल चेक कर लिया अगर नहीं होता तो यहां पर देखो ये पैंतालीस बन रहा आप नौ का मल्टीपल चेक कर लेते तो इस तरीके से चीजें कर सकते थे चलो फिर ये हमारे यहाँ तीन सौ पच्चीस सवाल हो गए समाप्त आप देख रहे हो गए लास्ट में दूसरे फॉर्मेट में किया गया क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस हो गया खत्म तो वहाँ तो नहीं बन पाई वीडियो क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्ट कर देता काफ़ी चीज़ें तो इसलिए हमें इस प्लेटफॉर्म इस पर बनानी पड़ी ठीक है बताइएगा अगर सब कुछ ठीक हो इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसी पर कंटिन्यू कर देंगे थोड़ा थोड़े दिन की बात है बाकी वो भी परचेस किया जाएगा उसको तो भी लेंगे ठीक है चलो फिर वीडियो अगर कंप्लीट करते हो जन तो लिखना ही और मैं ऐसा करता हूँ आपका कर रिविज़न अच्छा चल रहा होगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत